लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत 64.07% के पार हुआ है, यानी कि दूसरे चरण में मतदान जो हुआ है वो 64.07% के पार हुआ। बाड़मेर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 73.68% मतदान हुआ। वहीं अगर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां पर 56% मतदान हुआ है। मतदान अजमेर सीट पर हुआ है 59.22%। वहीं बांसवाड़ा सीट पर 72.24% मतदान हुआ। भिलवाड़ा सीट पर अगर बात करें तो 7.10% मतदान हुआ और चित्तौड़गढ़ पर आइए तो 67.83% मतदान हुआ। यानी ओवरऑल तक अभी अगर बात करें तो 60% से ज्यादा मतदान दूसरे चरण में हुए हैं। जोधपुर सीट पर वही 63.3% मतदान हुआ। कोटा सीट पर 70.82% मतदान हुआ। पाली सीट पर 56.80% के पार मतदान गया है। वहीं उदयपुर सीट पर 64.1% के पार हुआ मतदान और राजसमंद सीट पर अगर हम बात करें तो 58.1% मतदान हुआ। टीवी स्क्रीन पर आपको कोटा का दिख रहा है 70.82% मतदान। वहीं पाली की अगर हम बात करें तो 56.80% के पार मतदान हुआ। राजसमंद सीट पर 58.01% मतदान हुआ और वहीं अगर हम बात करें टोंक सवाई माधोपुर सीट पर तो 56% मतदान यहां पर टोंक सवाई माधोपुर में हुआ। उदयपुर सीट पर दिलचस्प फाइट थी, 64.1% के पार मतदान हुआ। यानी ओवरऑल मतदान प्रतिशत अगर निकल कर आया जाए तो 64.7% मतदान हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें आपको कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 5 से 7 मई को द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 आयोजित होगा। इस आयोजन में राजस्थान की पर्यटन विशेषताओं को मुख्य रूप से प्रस्तुत किए जाने पर जोर रहेगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। इस बार द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में पहली बार वेड इन इंडिया एक्सपो को भी शामिल किया गया है। वेड इन इंडिया एक्सपो का उद्देश्य देश विदेश के पर्यटकों द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में वेंडिंग की जाए जिससे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।